एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूँ सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। तो कल के क्लास में इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने जो पूरा थ्योरी था आर्टिकल राइटिंग पे कि कैसे होता है, क्या होता है, हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, कॉन्टेंट जमा कर सकते हैं और उसके बाद वी कैन डू वॉट, वी कैन स्टार्ट विथ आर्टिकल राइटिंग। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं आर्टिकल राइटिंग के। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले आर्टिकल के साथ। वील जस्ट रीड आउट द आर्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल में क्या लिखा है। ठीक है, आर्टिकल कैसा होना चाहिए हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल में। अच्छा, देखो, स्टार्ट करने से पहले भी हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। टाइटल दिया हुआ है यहाँ पर, येस और नो, द टाइटल इज गिवन हियर। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऑथर है, अरे भैया ऑथर का नाम भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जब अगर आपको एग्जाम में कोई आर्टिकल लिखने के लिए आए तो आप खुद का नाम यहाँ बिल्कुल भी मत लिखना। ठीक है, आप ICAI की गाइडलाइंस को क्रॉस कर रहे होंगे अगर आपने खुद का नाम लिखा तो कहीं पर भी पूरे पेपर में खुद का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग द होल आर्टिकल। इससे हमें समझ में आएगा कि आर्टिकल कितना इंटरेस्टिंग है, हमारा इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितना लेंथ का लिखा हुआ है और कैसे लिखा है, द लैंग्वेज। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे ही आर्टिकल्स हमें लिखने हैं, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज। अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इसीलिए मैंने सेकेंड आर्टिकल लिया, क्योंकि मजा आएगी ना पढ़ने में कि क्या होते हैं। क्योंकि अभी जो स्टेज पे आप होगे, आपको बहुत ही क्रेज होगा कि नहीं दीदी हमें भी क्या करना है, टैटू बनाना है, डैड लिटिल प्रिंसेस या ऐसा कुछ, या फिर बॉयज का ऐसा वो, यहाँ पर आप लोग क्या बनाते हो, भोलेनाथ का डमरू एंड ऑल, या दीदी आपको सब पता है क्या? यस, मुझे सब पता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। अरे बहुत सारे गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज को ऐसा होता है कि नहीं लाइफ में ना एक टैटू तो रहना ही चाहिए। जब व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, आई एम नॉट दैट ओल्ड बट स्टिल, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई हैड दिस थिंग कि मुझे ना यहाँ पर क्राउन बनवाना है। अगर जिनको भी चलता है वो लोग बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है ना इसीलिए। ठीक है, अब हम संभल गए वो वाले टाइम्स में और फिर नाउ आई फील कि ठीक है, अच्छा क्या नहीं बनवाया। Anyways, this doesn't mean कि आपने नहीं बनवाना चाहिए, this is my personal choice. मेरे पर आप बोलोगे अरे दीदी ऐसे कैसे आपने बोल दिया। Let's start reading with the article, Health Problems of Tattoos. Tattoos have been around for thousands of years, but they have always had their health problems. The main potential problem with getting a tattoo is infection. Infection होने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं. Okay, next line. The tattooing process involves pushing pigment far down into the dermis of the skin with a needle. With modern stainless steel and sterilization machines, this is much easier to keep clean and problem-free than the original tattooing method of rubbing ash into wounds. But problems can still occur. फिर भी problems हो सकती है, भले ही आजकल का जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। With a tattooing needle is not completely and totally clean when it pierces your skin. जब वो actual में skin को pierce करता है तब वो totally clean नहीं होता है. It can deposit germs deep into the skin along with pigment it is delivering. Okay. वो pigment के साथ साथ, वो जो काला काला होता है उसके साथ साथ वो germs भी अंदर डाल सकते हैं. A major problem with infection from an unclean tattooing is it can infect the recipient with hepatitis B. Oh my god. In turn, hepatitis can cause inflammation of the liver, which is painful to start with and if left to develop can become chronic and cause long-term damage and even death. My goodness. ये मैं खुद के लिए पढ़ रही हूँ क्या? नहीं, ये मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ तो आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है. Initial symptoms of a hepatitis injection can last up to 2 weeks and can include a raised temperature, headache and lack of energy. ये second paragraph पे आ गए अगर आपने shift देखा होगा तो. अब हम लोग यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? Symptoms के बारे में बात कर रहे हैं जो tattoo के वजह से हो सकता है second paragraph में. After this jaundice can develop and then potentially nausea, vomiting, diarrhea, ये सब हो सकता है. If left untreated, you will probably experience upper abdominal pain, tender, enlarged
लिवर एनलार्ज लिम्फ ग्लैंड इन योर नेक, यहाँ पर सारे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जो सारे डिजीजेस है वो दिए हुए हैं, डिजीजेस दिए हुए हैं। यस बाय दिस पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय दिस पॉइंट द पेन एंड अदर सिम्टम्स शुड हैव टेकन यू टू द डॉक्टर्स, दे विल नीड टू कैरी आउट ब्लड टेस्ट टू कंफर्म विच स्ट्रेन्स ऑफ हेपेटाइटिस यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड। If you have developed of a bad infection, you may need hospital care to recover mainly, so doctors can spot if you have the early stages of acute liver failure. Next paragraph. Up to 95% of adults with a hepatitis B infection will recover fully, but the rest may develop lifelong chronic hepatitis, especially if they already have immunodeficiency problems before they get the infection. अब यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होता है पैराग्राफ में। इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड लिविंग कंडीशंस, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड विद अ वैक्सीनेशन व्हिच मेनी टैटूइस्ट्स विल हैव एज अ प्रिवेंटिव मेजर एज दे डू नॉट विश टू कैच हेपेटाइटिस बी फ्रॉम देयर कस्टमर्स, सम ऑफ हु मे कैरी इट अननोइंगली। कभी कभी कोई कस्टमर्स अननोइंगली भी उनको हो सकता है। When you receive a tattoo, be confident that the tattooist's equipment is properly sterilized. आप ये ensure कीजिए। अब देखो यहाँ पे ना वो हमें preventive measures बता रहे, ऊपर उन्होंने सारी diseases और problems बता चुके हैं। Now next paragraph पे कैसा shift हो रहा है? That they have been checked out by the local health department and that you're confident that they are clean. वो clean होने चाहिए, आपने ensure करना है। No responsible tattooist will mind you showing how they ensure the equipment is clean and safe. कोई भी tattoo artist, जो reputed tattoo artists होते हैं, वो कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं आपको ये बताने के लिए कि भाई देखो हम लोग एकदम clean और safe चीज़ें ही equipments ही use करते हैं। When the tattoo is healing, make sure you keep the tender area clean and that you do not expose yourself to possible infection through poor hygiene or living conditions. Next paragraph. After receiving your tattoo, if you run a temperature, get headache or sudden lack of energy to do anything, get in touch with your doctor straight away. एकदम तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऊपर के पैराग्राफ में हमने मेजर्स देखे, प्रिवेंटिव मेजर्स देखे, अब यहाँ पर हम लोग क्योर टाइप देख रहे हैं। It is much better for it to be diagnosed as not being a problem than to risk having a hepatitis infection and not having it treated as early as possible. Last paragraph, instead of getting a permanent tattoo, you can get a temporary one. They are available in a wide range of designs, from star tattoos to tribal styles, and don't carry any risk of infection. आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है कि permanent नहीं ले, permanent लेने के जगह आप क्या कर सकते हो, temporary use कर सकते हो। और एक important चीज़ जो हम यहाँ पर mark करेंगे कि source, ये article कहाँ का है, लेकिन ये आपने नहीं लिखना है, ठीक है क्या? ये तो वो आर्टिकल का सोर्स लिखा हुआ है। जब आप खुद आर्टिकल राइटिंग कर रहे होंगे तो आप सोर्स नहीं लिखोगे, आप ये लिख सकते हो कि आपने जो सब कुछ भी यहाँ पे मेंशन किया है वो कहाँ से आपको नॉलेज मिला, ठीक है? लेकिन दिस यू डोंट हैव टू राइट, ऑलराइट? सो दिस इज हाउ एन आर्टिकल इज रिटन। लेकिन अगर सपोज आप कोई न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आर्टिकल लिख रहे होते और उसके लिए आपने रिसर्च की होती, तो क्या तब आप सोर्स लिखते? यस एब्सोल्युटली, ठीक है? लेकिन आप पेपर में अगर लिखने वाले हो तो पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। यस, राइट आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 300 टू 350 वर्ड्स। कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। तो अब आपको अगर कोई आर्टिकल पे लिखने के लिए आ जाए तो आप वहाँ पे सोर्स का नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि आप तो खुद से वो आर्टिकल लिख रहे हो, आप कहीं से एग्जाम में तो चीटिंग करके नहीं लिख रहे हो ना, तो दैट इज वाई। ओके, इसीलिए हम लोग वो सोर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप बाकी के आर्टिकल्स में देखोगे तो यहाँ पर नीचे सोर्स दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट दैट। ओके, और एक आर्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं, ये थर्ड वाला आर्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों भी आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये वाला लेक्चर जब खत्म हो जाता है तो एक आर्टिकल खुद से लिख कर देखोगे और एक आर्टिकल लेट्स रीड इट आउट। यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, जीनियस हैज जेंडर ओनली इन आवर माइंड्स। क्या मतलब है ये हेडिंग का, कोई बता सकते हैं मुझे? जीनियस हैज जेंडर इट्स ओनली इन आवर माइंड्स। ये हेडिंग को देखकर ही मुझे से लगता है कि यार इसमें बहुत इंटरेस्टिंग
आर्टिकल होगा ये, या इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किसी ने अपने जो थॉट्स है वो प्रेजेंट किए होंगे कि जीनियस का कोई जेंडर होता है क्या। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ कि अरे ये बहुत ही जीनियस है, हमें क्या लगता है कि ये तो कोई मेल ही होगा, येस और नो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमें क्या लगता है अरे ही वॉज अ जीनियस मैन। हम लोग यूजुअली जीनियस को ही से ही एसोसिएट करते हैं, बट इट्स ओनली इन आर माइंड, लेट्स रीड इट आउट। जब जब अगर आपके माइंड में आए, जब मैं आपको बोलूं कि पांच ऐसे जीनियस लोगों के नाम आप मुझे बताओ, आप तो खुद का ही नाम सबसे पहले दोगे, मुझे पता है, खुद का नाम छोड़ के और किस और कौन आपके माइंड में आता है जो बहुत ज्यादा जीनियस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी जीनियस लोग हैं आपको मेल के ही नाम आएंगे, कोई भी मेल, फिर वो चाणक्य हो या फिर बियर बाइसेप्स हो आपके जेनरेशन के लोग या फिर कोई और ऐसे लोग हो। बट आई एम सो श्योर कि अगर मैं आपको बोलती हूँ जीनियस, तो सम मेल पर्सन वुड ओनली कम इन योर माइंड। एंड वाई इज दैट? बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि जीनियस ये तो मेल ही होता है। लेट्स रीड इट आउट। तो ये वाले हेडिंग को कितने अच्छे से जस्टिफाई किया हुआ है, मतलब ये आर्टिकल में जो लिखा होगा उसको ये हेडिंग ने कितने अच्छे से जस्टिफाई किया हुआ है, ये हमें यहाँ पर देखना है। देखो, इसके पहले का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, बहुत पहले एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप हेडिंग कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आए और उसमें अगर आपको हेडिंग लिखना है, तो फिर यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन, बी क्रिएटिव एज मच एज यू वॉन्ट। लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग द होल आर्टिकल। When Cambridge University advised its examiners to avoid words like genius and brilliant because they exclude women, many of us rolled our eyes and dismissed it as a political correctness gone wild. But close your eyes. What's the first image that comes to your mind when you hear the word genius? देखो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, हमें सोचने पे मजबूर किया है, यस और नो? अरे हिंदी थोड़ी वीक है दीदी की। Is it Albert Einstein, Stephen Hawking, or Srinivasa Ramanujan, perhaps? Shakespeare or Premchand, Steve Jobs? Whether you're female or male, odds are your mind sees a man. अगर आप लड़की भी हो तो आपने कोई पर्सन, कोई मेल के ही बारे में सोचा होगा। These associations affect our perceptions of others, which in turn affect their self-image and choices. Gender gap in science, for instance, can be partly explained by the notion that these areas call for genius or raw material, raw natural ability, which many women don't feel confident they possess. Reasons for that lack of confidence are also cultural. In the US, a depressing piece of research found that even 6-year-olds were likely to think of only boys as brilliant. सिर्फ बॉयज ही ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि हमारा एक जनरल परसेप्शन बन जाता है, हमारा ये जनरल कभी कभी कल्चर की वजह से भी हमें ऐसा लगने लगता है। व्हेन प्रोफेसर्स आर रेटेड, इट्स मेन हु इज डिस्क्राइब्ड एज स्टार्स, विजनरीज, एंड द सेम क्वालिटीज आर ओवरलुक्ड और डिस्पार्ज्ड इन वुमेन। थिंक ऑफ द रूटीन पुट डाउन हिस्टेरिकल, विच लिटरली मीन्स अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द वूम। हिस्टेरिकल, इसका अपन मीनिंग देखते हैं एक बार। Let's just search for hysterical. It means affected by or deriving from wildly uncontrolled emotion relating to a suffering from hysteria. I think this is more uncontrolled, something that is out of our control. Think of the routine put down, which literally means a disorder caused by the womb. Okay, the idea of a lone genius is a romantic myth. Hard work, collaboration, and luck have as much to do with accomplishment as ability, and none of these traits are sexual characteristics. Thinking harder about how we fling around words like flair, brilliance might foster a better intellectual climate all around. ये सोर्स कहाँ से लिया हुआ है? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल था, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। क्यों इंटरेस्टिंग लगा हमें? क्योंकि इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था, येस और नो? ये वाला आर्टिकल आने वाला है क्या दीदी हमारे एग्जाम में? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन आपको समझ आ रहा है क्या, एक दो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े उससे समझ आ रहा है क्या?
कि आपने आपका आर्टिकल कितना इंटरेस्टिंग बनाना है। अब आपको क्वेश्चन इसमें दो टाइप से पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये वाला चेकलिस्ट एक बार पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने ये दो आर्टिकल जो पढ़े उसमें से क्या इन्फर किया, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, हम लोगों ने आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ा, दो तीन पढ़े हमने, और इसमें से हम लोग कौन सी चीजों हम लोगों ने नोटिस की ये हम देखते हैं। राइट इन अ लाइवली बट फॉर्मल स्टाइल यूजिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश, ये था दोनों भी आर्टिकल्स में, ये था। यूज एन इम्पर्सनल स्टाइल अवॉइडिंग द प्रोनाउंस आई यू वी, ये तो कहीं थे ही नहीं, तो ये भी था। स्टार्टिंग विद अ हेडलाइन दैट इज कैची बट टेल्स द टॉपिक एंड मेन आइडिया, एब्सोल्युटली। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन दैट इज स्प्लिट इन टू पैराग्राफ्स, हमने हर बार देखे थे दोनों भी पैराग्राफ्स, दोनों भी आर्टिकल राइटिंग में हमने क्या देखा था कि वो पैराग्राफ में डिवाइडेड था, जबकि सेकेंड वाला जो आर्टिकल था वो काफी शॉर्ट था फिर भी पैराग्राफ में डिवाइडेड था। यूज कोटेशन फ्रॉम इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपर्ट्स, यूज कोटेशन दैट गिव इंपॉर्टेंट पीपल्स ओपिनियन, इंक्लूड इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स, कंसिडर लैंग्वेज टेक्निक सच एज एलिटरेशन, यूज सम टेक्निकल वोकैबुलरी और जार्गन, जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड जो वो फील्ड से रिलेटेड होते हैं, यूज अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस लेंथ एंड स्टाइल्स इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करो उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। कीप पैराग्राफ्स लाइवली टू द पॉइंट एंड शॉर्ट बट यूज अ सिंगल सेंटेंस पैराग्राफ परहैप्स वंस ओनली फॉर एम्फेसिस एंड इफेक्ट, जैसे कि ऊपर वाले इसमें हम लोगों ने देखा था, ऊपर वाले मैं आपको बताती हूँ, ये लास्ट वाले इसमें देखो, ये वाला जो था ये वन लाइन सेंटेंस था, इसको पैराग्राफ बना दिया था, ये जो लास्ट लाइन था इसको पूरा एक पैराग्राफ ही बना दिया। वो क्यों बनाया? क्योंकि उनको इम्पैक्ट छोड़ना था कि आप परमानेंट टैटू लेने की जगह टेम्प्रेरी भी कर सकते हो। ऑफर लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल डिटेल्स अबाउट द टॉपिक एंड इन अ सैटिस्फाइंग वे अवॉइडिंग एन एसे लाइक समरी ऑफ द आर्टिकल, एकदम सैटिस्फाइंग वे में आपको एंड करना है वो पर्टिकुलर आर्टिकल को। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल इसका सोचना होगा, सिर्फ टाइटल लिखना होगा। आर्टिकल राइटिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टाइटल बहुत ज़्यादा मायने होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो आपने पूरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा, पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ा, तो कुछ स्टार्टिंग के ही सेंटेंस, स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या पॉसिबल टाइटल रख सकते हो। यू हैव टू बी क्रिएटिव योर अ बिट क्रिएटिव आई वुड से, लेकिन प्ले सेफ, ऐसा भी नहीं कि क्रिएटिव के चक्कर में टॉपिक कुछ और था लेकिन हमने टाइटल कुछ और दे दिया, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं कि सपोज आपको एक टॉपिक दे देंगे, फिशिंग, फिशिंग का क्या मतलब होता है, इट्स रिलेटेड टू द इंटरनेट टर्म, यस, इसके ऊपर आपको पूरा आर्टिकल लिखना है। अब आप आर्टिकल डायरेक्टली तो लिखना चालू नहीं करोगे, कोई ऐसे थोड़ी है, आप इसके लिए सबसे पहले रफ में पॉइंट्स जॉट डाउन कर दोगे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, कि इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें, जैसे कोविड इम्पैक्ट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इसका भी आप इम्पैक्ट बता सकते हो। तो आपने पहले क्या करना है, जब भी अगर आपको बोले आर्टिकल लिखो और आपको टॉपिक दिया है, देखो सूटेबल टाइटल कोई भी पैराग्राफ का देना बहुत आसान है, आप लोग खुद से दे सकते हो, लेकिन जब आपको कोई टॉपिक दिया है और उस पर अगर आपको आर्टिकल लिखना है, तो पहले अपने साइड में आपके माइंड में क्लियर कर देना है कि आप कैसे उसको लिखोगे, कैसे पैराग्राफ्स में, कितने पैराग्राफ्स में क्या क्या लिखोगे। जैसे अपन एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड इम्पैक्ट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला टॉपिक लेते हैं, इसमें मैं सोचूंगी सबसे पहले कि मैं कोविड का क्या रेफरेंस दूँ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे इसका इम्पैक्ट हुआ, उसके सेकेंड पैराग्राफ्स में क्या इल इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या स्ट्रैटेजीज एजुकेशन सेक्टर ने यूज करनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है अभी 3-4 दिन पहले ही पीएम मोदी जी ने एक ये लिया था जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लाई है, अगर आपने वो वाला नहीं देखा होगा आपको देखना चाहिए, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव कम अप नाउ, उसके बारे में आप रेफरेंस दे सकते हो और फिर आप ऐसे एंड कर सकते हो कि अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है या हमारी भी क्लासेस कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसा सब। दिस वे यू कैन जॉट इट डाउन अलग से एक पेज लेकर या अलग से एक रफ जगह पर कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करोगे, सेकंड पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करोगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम प्रोवाइडिंग।
और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग विद द आर्टिकल, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे ना क्वेश्चन पढ़कर ही पेपर में, तो स्क्रैचिंग आपकी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ठीक है, ओके. अभी एक हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या हो सकता है, व्हाट कुड पॉसिबली बी द आंसर टू दिस. स्टॉक्स रिलेटेड टू द कंजम्पशन थीम हैव टेकन अ सीवियर बीटिंग एवर सिंस द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन ऑफ रुपीज 500 एंड 1000 नोट्स. द निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स हैज shrunk 11%. Some stocks have slipped up to 21%. The fear that the demonetization drive would put a leash on high-ticket spending by consumers has spooked sentiments. While the current outlook is bleak, analysts say this sell-off provides a good opportunity for investors to entertain certain stocks as the consumption story remains on a solid footing. Padhkar hi samajh mein aa raha hai ki kis cheez mein baat ho rahi hai. कि अगर अभी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अभी अपन देखते हैं कि इनके आंसर्स, ये देखो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल का क्या आंसर हो सकता है. कंजम्पशन स्टॉक ऑफर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी पोस्ट डिमोनेटाइजेशन. लंबा है थोड़ा सा, बट डज इट जस्टिफाई. एक पैराग्राफ पढ़कर ही समझ में आ गया कि क्या हम लोग टाइटल रख सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा, सिर्फ पहला पैराग्राफ भी आपने पढ़ा ना यू गाइस, तो आपको समझ आ जाएगा इन मोस्ट केसेस. ठीक है, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो और एक दो आर्टिकल्स पे आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप खुद से सोचो कि आप क्या रखोगे आपका, क्योंकि हर स्टूडेंट का ये जो टाइटल सोचने का तरीका है वो अलग अलग होगा. तो आप सोचो अभी कि आप क्या टाइटल रख सकते थे. ओके, और एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल लिखने पे. कौन सा वाला ले, फिशिंग वाला ले, फिशिंग वाला. लेट्स सी कि इन्होंने फिशिंग में क्या दिया हुआ है. लेट्स सी फॉर द एग्जांपल, आप लोग ये वाला एक तो भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे. देखो, सबसे पहले जब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी दे रही थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फिशिंग होता क्या है. फिशिंग इज रिलेटेड टू साइबर थिंग्स. यस, आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक, ऑब्वियसली तभी सेंस है. फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट आर कॉन्टेक्टेड. अच्छा, ये क्या आपको इसे पॉइंट्स दिए हुए होंगे क्या? नहीं, आपको इसे एग्जाम में पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, आपको सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए बोला जाएगा. ये तो आपको हिंट दी हुई है, ये जो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना आपको, ये सारा आपको हिंट दिया हुआ है. इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो. तो अभी आपका एक होमवर्क है, आपको क्या करना है आज ही, नहीं तो फिर अभी क्लास चालू रहने दो और अभी ही आप लोग क्या करो, एक आर्टिकल लिखो. मेरे साथ साथ लिखते हो क्या? अपन आर्टिकल लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो. मैं ज्यादा नहीं लिखने वाली हूँ, आपने ज्यादा लिखना है. यहाँ पर हमें सारे पॉइंट्स दिए हुए जिसके ऊपर हम लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसके बेसिस पे. जैसे कि फिशिंग क्या होता है, ये एक साइबर क्राइम है जहाँ पर टारगेट क्या होता है कि अपना ईमेल, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें वो लोग हैक कर लेते हैं बाय पोजिंग समवन एल्स एज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन टू टेम्प्ट इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा. वो लोग हमको क्या बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं आपका हमें पर्सनल डिटेल्स बताओ, और ऐसे करके वो लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लेते हैं. The information is then used to access important accounts and can result in identity theft and financial loss. Okay, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं? Malware based phishing, tab knacking, key loggers and screen loggers, search engine phishing. You guys, ये थोड़ा सा technical topic है, हो सकता है बहुत सारे students को नहीं भी आए. ठीक है, अगर हमारे पास ये information available है तो फिर easy है हमें आर्टिकल लिखना. लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, इन दैट केस इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, राइट? तो इसके बेसिस पे तो लिखना बहुत ही आसान है. लेकिन सपोज और हम कोई टॉपिक लेते हैं जिसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे? देखो यहाँ पर भी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, फिर अभी क्या क्या इम्पैक्ट चल रहा है, उस ही हिसाब से हम लोग हर एक पैराग्राफ को लिखेंगे. ठीक है, I don't think there's sense in writing the whole article, but let's just try a bit. You all write with me. Phishing is a cyber crime.
और सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग देंगे ना, फिशिंग तो हमें टाइटल दिया हुआ ही है, इस पे हमें लिखना था। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टैक्टेड बाई ईमेल। ये पूरा पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पर ही लिखूंगी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा होगा, पूरा का पूरा मीनिंग लिखा होगा कि फिशिंग क्या होता है। यस सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आई वुड राइट द टैक्टिक्स Tactics used for fishing can be of various types. Like, इसके बाद डिसेप्शन फिशिंग, टैब नैकिंग, मालवे बेस्ड फिशिंग, ये सारी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ये पैराग्राफ हमारा यहाँ ओवर हो गया। इसके बाद यू कैन एक्सप्लेन दीज टाइप। और लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे हाउ टू प्रिवेंट, कि हम फिशिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा ईजी है कि हम हमारा और जो भी फेक वेबसाइट है उस पर ना जाए, या फिर हमारे जो पासवर्ड है वो रेगुलरली चेंज करते रहे, या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ही बोले कि मतलब वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी जाएगा। ये सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं, लेकिन एंड पैराग्राफ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हमें इतना ज़्यादा बता दिया है फिशिंग के बारे में कि फिशिंग ऐसी टैक्टिक्स वगैरह होती है, तो हमें वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताएं। यहाँ पर हमने क्या लिखे, प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारा पूरा आर्टिकल समाप्त करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, एक ऊपर ऊपर से आइडिया मिल गया कि कैसे आपने आपके पैराग्राफ्स को डिवाइड करना है। सो ऑल राइट यू गाइज, विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आपने क्या करना है, एटलीस्ट दो आर्टिकल्स खुद से लिख कर देखने हैं, दो आर्टिकल्स खुद से प्रैक्टिस करके देखने हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय। फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विथ रिपोर्ट राइटिंग। आओ जाओ।